अफगानिस्तान में तालिबानी युग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अफगानिस्तान में रह रहे नागरिक दूसरे देशों में शरण लेने के लिए झटपटा रहे हैं। कई वीडियोस भी हैं सामने आ रही हैं जिसमें अफगानिस्तानी भगदड़ का शिकार हो रहे हैं, कई उड़ते हुए प्लेन से गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में यहाँ जो अफगानिस्तान से आए स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ पर उनके रह रहे परिवार जन किस तरह की स्थिति जो है वो उसका सामना कर रहे हैं और कैसे वहाँ के हालात हैं। वहाँ पे सेव नहीं होता है, वो लोग हर कुछ कर सकता है उनके साथ, फैमिली सेव नहीं हो सकता, घर घुस के गोली मार सकता है, साथ में लेकर जा सकते हैं। जो बंदा गवर्नमेंट में काम किया होगा उन्हों को पकड़ के ले जाके मार देता है तालिबान, मतलब उनको कोई सेंस है ही नहीं है कि वो मतलब जो भी कर रहा है वो कुछ सोच समझ के करिए, कुछ ऐसा उनको नहीं, जो भी उनको आ जाता है कोई पढ़ाई नहीं किया हुआ उनको कुछ ऐसा कुछ माइंड में आता नहीं है कि एज ए ह्यूमैनिटी पूछे, बिना पूछे बस मार देता है बिल्कुल। क्योंकि ये लोग ऐसा दहशत गनी ऐसा मतलब एक ख़राब हालात लेकर आया है काबुल में कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक घंटे बाद क्या हमारा फैमिली और जो अफगानिस्तान के पीपल है इनोसेंट पीपल क्या हो सकता है। तो फिलहाल उन्होंने अपना जो शरिया लॉ है वहाँ पर लेकर आया है, जो लड़कियां हैं बाहर नहीं जा सकता है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकता है और वहाँ पे काम नहीं कर सकता है वहाँ पे, और अपनी झंडा हमारा अफगानिस्तान का जो झंडा था उसको फ्लैग उसको हटा के अपनी झंडा हाँ अपने रखा हुआ है और अपनी रूल्स रेगुलेशन जो भी शरिया लॉ है वो ही इम्प्लीमेंट करेगा पूरा अफगानिस्तान के ऊपर। कि सबसे डर यही है कि लोगों को जीना सही जीना नहीं दे दे, जैसा आज़ादी है इंडिया में कैसा जी रहा है, पूरा दुनिया में एक इंसान कैसे जी रहा है, वहाँ पे अलाउड नहीं करता है उनको, बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुका है सारा कुछ। जैसा कि हमारे अफगानिस्तान था एक कंट्री एक ख्वाब था, अभी ख़त्म हो चुका है। असल में उनका माइंड यही है कि सिख यहाँ पर रहे ना। अच्छा, क्योंकि हम आप लोग पहले भी रिपोर्टर आप लोग को मालूम होगा कि सिख हमारा फैमिलीज वहाँ पे रहता था और उन सिख को जाके बम से उड़ाया हुआ है। ये मतलब किसी की दुनिया में ऐसा नहीं होता है और स्पेशली वो तो हम मुस्लिम को छोड़ता नहीं है और कहीं और धर्म को कैसे वहाँ पे छोड़े। हम जो वो अपनी मुस्लिम नाम लेता है कि हम मुस्लिम है तो हम भी मुस्लिम है, वो एक मुस्लिम को छोड़ता नहीं है तो दूसरी सेक्ट और दूसरी जैसा कहाँ और से आता है उसको छोड़ता नहीं। लाइट चली जाता है, कोई लाइट नहीं है वहाँ पे, कोई नेट ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पूरा डैमेज किया हुआ है इन्होंने वहाँ का। और ये बस ये लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हैं जो एक ब्लैक जो था जैसे ब्लैक साइड होता है, रोशनी के लोग देखता नहीं है, बस वही कि जो पिछले हम आते रहते हैं वही बस दोबारा हम चले जाए वहाँ पे, जो इम्प्रूवमेंट ही नहीं था, जितना पढ़ाई ही नहीं था, जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी डॉक्टर नर्स ये कुछ भी नहीं था, बस उसी टाइम पे दोबारा हमको लेकर जाना है इनको। हमारा सारे उम्मीदें हमारा जितना भी खुशियाँ था अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। फिलहाल हम चाहते हैं हमारा फैमिली और हमारा पीपल सेफ रहे और जैसा तरह लड़कियाँ बहनें जो हमारा है वो पूरा सेफ रहे, यही हमारा सबसे इस टाइम बस यही है कि किसी तरह से किसी सोर्स से कहीं कंट्री इंडिया होगा जो भी होगा बस हमारे फैमिली को निकाल के इंडिया होगा तो यहाँ पर आके सेफ यहाँ पर रहे और कोई इतना हेल्प करे कि वहाँ से निकाल ले। हम तो हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है कि तालिबान ऐसा है कि हमने बहुत इंटरव्यू भी दिया हुआ है, एक तो वो लोग जिधर हम बात करते हैं उनके अगेंस्ट वो मार देता है, ये चीज़ होता है। और हम यही चाहता है कि बस फैमिली हमारा सेफ रहे और जैसा भी हो जाए वो यहाँ तक लगा जाए हम बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, पिछले 4 साल से मैं इंडिया में रह रही हूँ और एक ही बार मैं घर गई हूँ और उसी एक ही बार में जब मैंने देखा था कि एनवायरनमेंट तब से बहुत ख़राब था, पिछले साल ही मैं गई थी और फिर उसके बाद अभी मेरी फैमिली चाहते हैं, वो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ वो कह रहे हैं कि आप वहीं पर रहो और वहीं पर ही सेटल हो जाओ, सो उनका बस यही चाहना है। फैमिली में मेरे भाई हैं, मम्मी पापा हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।